किचन आज हम बनाने वाले हैं जीरा आलू जो 5 मिनट में बन जाती है। इफ यू लाइक माई रेसिपी प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, टर्न ऑन द पोस्ट नोटिफिकेशन, शेयर माई वीडियो एंड लाइक ऑल्सो। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे मेरे पास 3 to 4 बॉइल्ड आलू थे जिनको मैंने चॉप कर लिया है, ये देखिए। और अब हम एक कढ़ाई में तेल डालेंगे, यहाँ पे मैं 2 टेबलस्पून तेल डालूंगी। हम इसको गरम होने देंगे। हमारा तेल गरम हो गया है, अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून जीरा डाल रही हूँ। क्योंकि ये जीरा आलू है तो इसमें जीरा का टेस्ट होना चाहिए, इसलिए मैं इतना सारा जीरा डाल रही हूँ। इसको मिला लूंगी। अब मैं यहाँ पे डालूंगी हींग 1/4 टीस्पून। और यहाँ पे मेरे पास 2 ग्रीन चिली है जिनको मैंने आधी से तोड़ ली थी, और इसको मिला लेंगे। मैं इसमें डालूंगी हल्दी 1/2 टीस्पून। हम इसको मिला लेंगे। और फिर मैं इसमें हमारे आलू डाल दूंगी। मिला लेंगे अच्छे से। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा मिर्च पाउडर। हम इसको मिला लेंगे। और फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा अमचूर भी डाल दूंगी। और थोड़ा सा धनिया पाउडर, यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून डाला है। अब यहाँ पे मैं एज पर टेस्ट मैं सॉल्ट डाल रही हूँ। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून डाला है। इसको मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैं थोड़ा सा धनिया भी डाल रही हूँ, ये चॉप धनिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसको 2-3 मिनट के लिए पका लेंगे। ये सब्जी एकदम सूखी है तो आप इसको ट्रेन में भी ले जा सकते हो, रोटी के साथ रोल भी बना सकते हो इसका, और इसको चावल के साथ भी बना खा सकते हो। ये हमारी सब्जी पक गई है, हम गैस ऑफ कर लेंगे और फिर हम इसको हमारे सर्विंग बोल में निकाल लेंगे। ये हमारी सर्विंग बोल में डल गई है और फिर अब हम इसको धनिया से गार्निश कर लेंगे। ये थोड़ी सी चॉप्ड धनिया है। हमारे जीरे आलू की रेसिपी तैयार है। आप इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं और इसमें कोई ग्रेवी भी नहीं बनानी होती। और अगर आपके पास कोई सब्जी नहीं है तो आप इसको बना सकते हैं। एंड प्लीज फॉलो मी ऑन माई फेसबुक पेज रिशिताज किचन। थैंक यू।